शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम मुरैना के चंबल के प्रसिद्ध समाजसेवी एक विख्यात हस्ती और साथ में राजनेता भी, एडवोकेट भी और बहुत बड़े स्कूलों के संचालक भी, तो जिनका नाम ही परिचय का किसी का मोहताज नहीं, उन्हें पूरी चंबल ही नहीं बल्कि सारा मध्य प्रदेश उनसे वाकिफ है और सारे मध्य प्रदेश में वे जाने माने चेहरे हैं और कई पदों पर वे कार्य कर चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी से लेकर के श्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी और आपके नेता प्रतिपक्ष रह चुके श्री अजय सिंह राहुल भैया जी, उन सबके वे बहुत प्रिय और बहुत ही खास दायां हाथ रहे। तो आज हम यहाँ पर उनका साक्षात्कार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं इस फिल्म में। तो इस साक्षात्कार में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किसी इंसान का जीरो से हीरो बनना, एकदम जमीन की मिट्टी की उपज और शुद्ध देहाती इंसान का एक बहुत बड़ा इंसान बनना, बहुत बड़े कद को पाना, बहुत ऊंचाई तक पहुंचना, इसकी वे स्वयं एक मिसाल है। और एक ऐसी ही मिसाल से आज हम आपको इस फिल्म में परिचय भी करवा रहे हैं और उनसे एक साक्षात्कार के जरिए उनका जो है बात को, उनके मन की बात को, दिल की बात को आपके सामने उन्हीं के मुंह से यहाँ पर कहलवा रहे हैं। हम आपको इसमें एक चीज़ अवश्य बता दें कि जब हम इस फिल्म को शूट कर रहे थे, उनका साक्षात्कार ले रहे थे, उस वक्त तो जो जितना साक्षात्कार हुआ वो आप स्वयं सुनेंगी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड यानी कि साक्षात्कार समाप्त हो जाने के बाद कुछ व्यक्तिगत जो चर्चा हमारी उनसे हुई, जिसे इस फिल्म में शूट बंद करने के बाद में चूंकि चर्चा हुई है तो इस फिल्म में वो चीज़ नहीं आ पाई, तो उन्होंने कुछ और भी हमें मन की बातें बताई। उन्होंने कहा कि वे हर साल 5 बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, ऐसे गरीब बच्चों को जिनका कोई सहारा नहीं है, गरीबी के कारण वे पढ़ लिख नहीं पा रहे, उन्नति नहीं कर पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका जो कहना था, जो इस फिल्म में शूट में नहीं है लेकिन जी ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बातें हुई उनसे बाद में, तो उन्होंने कहा कि जो है वे हर साल 5 बच्चों को गोद लेना चाहते हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं, किसी कारण से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो वे उनका जो है पूरा पढ़ाई लिखाई का खर्चा, कपड़ों का, रहन सहन का, खाने पीने का और उनको बिल्कुल उच्च शिक्षा दिलाने तक का पूरा भार वे अपने ऊपर लेना चाहते हैं, उनको गोद लेकर के उनकी वो हर प्रकार से मदद करना चाहते हैं, उनका सारा पूरा खर्चा उठाएंगे। ये बात हमें उनकी बहुत अच्छी लगी और बहुत प्रेरणास्पद लगी और चंबल में कम से कम कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने अपने दिल की बात कही और ऑफ द शूट कही कि
वे पांच बच्चों को इस प्रकार से गोद लेकर के और उनको हर प्रकार से पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, रहना खर्चा पूरा उनका जो भी है, खाने पीने से लेकर के सब पूर्ण संपूर्ण खर्चे उनका उठाना चाहते हैं। तो यहाँ और भी अगर लोग हैं चंबल में जो कि इस कार्य को करने में सक्षम है, कर सकते हैं, और अगर वे भी उनकी इस बात से प्रेरणा ले सकें और इस फिल्म में जैसा कि साक्षात्कार में उन्होंने कहा है ऐसी चीज़ों से कुछ प्रेरणा लें, तो यहाँ कई सक्षम लोग हैं जो कि इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम गिनती में 200 लोग ऐसे माने या 250 लोग ऐसे माने कि जो इस कार्य को करने में सक्षम है, कि केवल पांच पांच बच्चे ही गोद ले लें या पांच गरीबों को गोद ले लें, तो उससे निश्चित ही मल्टीप्लाई टू फाइव यानी कि पांच का गुणा कर दें तो 25, जैसे 250 लोग अगर खड़े हो जाते हैं इस सामाजिक सहायता करने के लिए, तो सीधा सा 25 का 5 में जब आप गुणा करेंगे तो क्या अंक आएगा? यानी इतने बच्चों का हर साल भला करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सक्षम हैं, कर सकते हैं। तो हम तो उनसे यही अनुरोध करेंगे, आप लोग जो इस फिल्म को देख रहे हैं तो ये प्रेरणा अवश्य ले लें कि अगर आप सक्षम हैं तो कम से कम पांच गरीब परिवारों की या पांच गरीब बच्चों की कुछ ऐसी मदद करें जैसी कि उनकी भावनाएं, और इस प्रकार से आप किसी नेता की चाटुकारिता करने में जो लाखों करोड़ों रुपया फूंक देते हैं, कभी विज्ञापनों के जरिए, कभी पोस्टर होर्डिंग के जरिए, और कभी फूल मालाएं हार पहनाने के जरिए, कभी उनकी जय जयकार में, उससे बेहतर है कि आप इस गरीब की जय जयकार करें, मजबूर की जय जयकार करें, मजबूर लाचार इंसान की जय जयकार करें, उसे मदद करें, उसकी सहायता करें। तो बेशक सरकार कुछ करे ना करे, सरकार में कितना भी भ्रष्टाचार हो, कितना भी रिश्वतखोरी हो, सरकार में कितनी भी गंदगी भरी पड़ी हो, हमारा सिस्टम कितना भी सड़ गल गया हो, सिस्टम ध्वस्त हो चुका हो, कॉलेप्स हो चुका है, ये तो किसी से छुपा नहीं है, भारत का पूरा सिस्टम कॉलेप्स है, खत्म हो चुका है, सड़ गल चुका है, बाह्यात और रद्दी सिस्टम है। तो उस सिस्टम से लड़ने के लिए मजबूत खंभे हमारे समाज के अंदर ही मौजूद हैं और वो मदद कर सकते हैं। पांच पांच का जिसकी क्षमता है वो पांच पांच गरीब परिवारों को मदद कर दे, और जिनकी क्षमता जो है ज़्यादा है, पांच से ज़्यादा, वो उनसे ज़्यादा की मदद करें, या पांच बच्चे या पांच से ज़्यादा बच्चों को गोद लेकर के इस प्रकार से सहायता प्रदान करें, तो बहुत कुछ हो जाएगा। हमें किसी सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी योजना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सब्सिडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्सिडी कहाँ से आती है? सब्सिडी टैक्सों में से आती है जो हमसे और आपसे वसूले जाते हैं। हम 2 रुपए किलो नमक की थैली को 10 रुपए किलो में लेके आते हैं, क्यों दें हम 8 रुपया किसी सरकार को जिस सरकार की योजनाएं फर्जी हों, जरूरतमंद तक न पहुंचती हों, बीच में भ्रष्ट खा जाते हों, रिश्वत खोर खा जाते हो? उससे तो अच्छा ये है कि हम खुद खड़े हों और अपने समाज की स्वयं मदद करें। तो उनकी ये भावनाएं, ये पंक्तियां हमें बहुत अच्छी लगी। तो हम ये चाहेंगे कि जो लोग जो है सक्षम है और इस फिल्म को देख रहे हैं वो इस प्रेरणा को ग्रहण करें और ऐसा कुछ करें कि सरकार की जरूरत गरीब को न पड़े, लाचार और मजबूर को न पड़े। क्यों? क्योंकि सरकार का सबको पता है, सरकार न गरीब की मदद करती है, न मजबूर की, न लाचार की। सरकार में लफाजीगिरी के अलावा कुछ है नहीं।
और जो भी सब्सिडी वगैरह ये सब हमसे वसूली जाती है, नमक की थैली पे वसूली जाती है, हर एक चीज पे हमसे टैक्स लिया जाता है, माचिस की डिब्बी तक पे टैक्स लिया जाता है, और हमारा ही पैसा गरीबों के नाम पर देने के नाम पर हमसे ही लूटा जाता है। और गरीब का किसका भला होता है, किस कितनों का भला हुआ ये किसी से छुपा नहीं है, पैसा कहाँ चला जाता है ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है कि गांव में आप अगर एक टीन शेड लगवाते हैं, पशु शेड जिसको पशु आश्रय शेड बोला जाता है, तो उसमें कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, कितना पैसा खिलाना पड़ता है तब जा करके एक शेड लग पाता है। आधे से ज्यादा पैसा तो वहां के जो सरपंच हैं और पंचायत सचिव हैं वो खा जाते हैं। गांवों में जो शौचालय बन रहे हैं, शौचालय शौचालय सरकार ने चिल्ला के रखा है, देखा होगा आपने, रोज सुन रहे होंगे, उन शौचालयों को हम देख के आए हैं, हमने पूरा छानबीन की है। शौचालयों की स्थिति ये है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्पेसिफिकेशन बाकायदा पूरा वर्णित रहता है कि किस स्टैंडर्ड के अनुसार बनने, उनके मापदंड निर्धारित रहते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत इससे एकदम उलट है, ना उनकी दीवारों में दम है और ना उनके भीतर जगह है। उसमें कोई कुत्ता बैठ करके ही शौच कर सकता है, इंसान नहीं बैठ सकता। हमने एक फिल्म भी दिखाई थी और हमारे चैनल पे मौजूद भी है, चंबल ग्वालियर का विजेता और चंबल का शेर कुम्हेर सिंह तोमर, उसमें उन्होंने एक बात कही भी है और ऑफ द रिकॉर्ड एक बात और भी कही थी ऑफ द शूट में। तो वहाँ स्थिति ये है कि उसमें इंसान तो बैठ नहीं सकता शौचालय में, इतने छोटे छोटे हैं, 1 फीट सवा फीट बस ये लंबाई चौड़ाई उनकी, दम उनमें इतनी नहीं है, एक लात मार दो पूरा शौचालय धराशायी हो जाएगा, किसी मतलब के नहीं है, किसी अर्थ के नहीं है, केवल नाम शौचालय है। तो उन्होंने वो जो कहा था कि साहब कुत्ता ही कुत्ता भले ही बैठ जाए, इसमें इंसान तो नहीं बैठ सकता, या फिर एक आदमी मतलब आधा हिस्सा बाहर रहे उसका और आधा अंदर रहे, ऐसे बैठ सकता है तिछाड़ा होके। मतलब ये कि वो किसी मतलब के नहीं है, ना वही नाम शौचालय है, कहीं कुछ नहीं है, वो कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो उससे बेहतर ये है कि समाज के ही कुछ लोग खड़े हों और समाज की मदद करें, और सरकार जो है जो कर रही है या जो वसूलियां चल रही हैं, रिश्वतखोरी पहले ली जाती है, एक शौचालय भी बनवाना है तो जितना पैसा मिलना है तो उसका परसेंटेज फिक्स है कि उतना उतना देना पड़ेगा तब जाके आपके यहाँ शौचालय बने। वो तो खैर ये तो सिस्टम चूंकि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, कोलैप्स्ड है और बहुत बुरी दशा है, तो बेहतर यही है कि हमें उनकी बात बहुत अच्छी लगी, तो समाज के ही कुछ लोग खड़े हों, कुछ को गोद लें, गरीब परिवारों को गोद लें, या गांव संभव हो तो पूरे गांव को गोद लें, संभव हो तो केवल 5 बच्चों को ही गोद ले लें, उन्हीं की मदद करें। तो बहुत जल्दी ही हमारी चंबल मध्य प्रदेश न केवल तरक्की कर जाएगा बल्कि खड़ा हो जाएगा और इन भ्रष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। डिजिटल इंडिया सब जगह हो सकता है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है, और चूंकि मध्य प्रदेश में हम रह रहे हैं तो हमसे ज़्यादा इस बात को कोई जानता नहीं, हमारा तो रोज़ पाला पड़ता है, हर पल पाला पड़ता है, सब दिखावा है। तो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अब आप श्री यदुनाथ सिंह तोमर जो कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं और एडवोकेट भी हैं और सब बहुत बड़े समाजसेवी भी हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है और बहुत विख्यात हैं, और उनके स्कूल वगैरह कईयों हैं और कई लोगों को वो रोज़गार दे चुके हैं, खुद के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, और बहुत बड़े बड़े पदों पे वो रह लिए हैं, और राजनीति के भी माध्यम से भी उन्होंने तो कईयों को रोजगार भी दिया है, कईयों की सहायता की है, कईयों की मदद की है। तो आज हम फख्र के साथ श्री यदुनाथ सिंह तोमर जी का
इंटरव्यू यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और वे चूँकि तूलिका कॉन्वेंट स्कूल के नाम से स्कूल की चैन चलाते हैं, श्रृंखला है, तो जैसा भी है, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय जय। तो अब आप उनके सुनिए और देखिए। हाँ, तो आप हैं श्री यदुनाथ सिंह तोमर, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं और जाने माने समाज सेवी हैं और पूरा चंबल संभाल और यहाँ तक के पूरा मध्य प्रदेश आपसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। तो आज हम उनसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ के बारे में तथा चूंकि राजनीति की भी हैं तो उस बारे में भी, और साथ में एडवोकेट भी हैं तो कुछ चीज़ें पूछते हैं। जो चंबल संभाग में जो बिस्मिल संग्रहालय बनवाया गया है, इसको कभी आप देखने गए? अभी तक तो मौका नहीं मिला। अच्छा, और चंबल में ऐसी कैसी, मतलब जो आज की परिस्थिति है और 30-40 साल पहले जो परिस्थिति रही होगी, उसमें कोई फर्क आपको नजर आता बहुत बदलाव तो आ रहा है। है क्या? कैसे, किस प्रकार से? डकैती प्रथा खत्म हो रही है, सब बदलाव तो आ रहा है। हाँ, तो पहले जो बदनामी थी वो समाप्त होकर के सकारात्मक, और ये उसमें सड़क बन जाएगी, ये चंबल हाईवे, हाईवे, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क एक्सप्रेस हाईवे। है। और जो है, आप जो है गांवों में बहुत घूमे हैं, आपने कई पदों पे भी रह लिए, तो आपको कुछ लगता है कि जैसे कुछ और सुधार होने चाहिए कि जिससे कि इस जिले में और तरक्की हो, चंबल की और तरक्की हो जाए? अभी बहुत सुधार की बाकी है। कैसे, एक आध बताएं। जैसे चंबल के ये बेड़े हैं, उनको गांव वालों को अगर दे दें, वो क्या कहते हैं, पट्टे पे दे दिए जाए, तो अपनी जमीन एक भी कर लें तो जमीन की बहुत हो गया मारा मार। जो बीहड़ की जमीन है उसको किसानों को पट्टे पे दे दिए, तो उससे जो है किसानों को बहुत फायदा हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। किसानों को रोज। अच्छा, यहाँ रोजगार की जैसे बहुत समस्या है अपने चंबल संभाग में, तो उनके लिए कोई ऐसा सकारात्मक उपाय आपकी नज़र में, क्योंकि आपने तो बहुत लंबे समय से समाज सेवा करी है और बहुतों को रोजगार दिया है, और इस मामले में चूंकि राजनीति के जरिए भी बहुत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया, बहुत मदद की है, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से बेरोजगारी दूर करने का कोई ऐसा नुस्खा या ऐसा कोई उपाय हो जिससे कि यहाँ के लड़कों को बाहर पलायन न करना पड़े, कोई दूर प्रदेश में जा करके रोजगार ढूंढते हैं या खोजते हैं, तो उसको हटाने के लिए यहाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जिससे बेरोजगारी दूर हो? यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। मिलिट्री स्कूलों की स्थापना हो जाए कोसाम्बा में, तो जो लोग, जो महिलाएं मिलिट्री में सैनिक स्कूल हो जाए, तो जो सैनिक ग्वाल महिलाएं ग्वालियर कोसाम्बा आ जाती हैं, वो गांव में रह के अपने दूध बना कर दूध का काम कर सकती हैं, भैंसें पालन कर सकती हैं, गाय पालन कर सकती हैं, उससे रोजगार को सुविधा मिल जाएगी। और अच्छा, ये कोई करने नहीं चाहता, शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि होगी, शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि हो तो ऑटोमेटिक रोजगार खत्म हो जाए। तो शिक्षा क्षेत्र में कठिनाइयाँ क्या क्या हैं जो कि दूर होनी शिक्षा चाहिए? क्षेत्र में अच्छे स्कूलों की अभाव है, अच्छे और स्कूलों में, गांव लेवल पे बहुत अभाव है, अच्छा, ग्रामीण स्तर पे ज़्यादा ग्रामीण अभाव है। और इसके अलावा जैसे अभी मिलिट्री का वो एयरबेस बनने जा रहा है यहाँ पर, हाँ सप्लीमेंट बन रहा है। कोसाम्बा की बात अपन हाँ कर रहे हैं, पोरसांबा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा है। वहाँ बिजली की समस्या भी बहुत ज़्यादा है और भी तमाम कठिनाइयाँ हैं, राजनीतिक कठिनाइयाँ भी हैं, तो वो तो हम खुद भी देख के आए। तो इसके बारे में वहाँ का समस्या को दूर करने का, तोमरघार क्षेत्र को, तो ऐसा कोई उपाय है कि जैसे तोमरघार क्षेत्र क्योंकि सबसे तो प्रबल क्षेत्र है और चूंकि राजा महाराजाओं का क्षेत्र है, महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर का क्षेत्र है, जो महाभारत के अंतिम सम्राट थे, उनकी जो गढ़ी है, जो प्राचीन हमारी पुरातन संपदा है, ऐसा गढ़ी से लेकर के ककनमठ और जो भी फैला हुआ है तोमरों का, वहाँ पे पांडवों के हथियार रखे हैं सुनावली में, तो इनकी धरोहर का संरक्षण या इनका जैसे प्रतिमा वगैरह या मुरैना शहर में या बैरिए चौराहे ऐसे चौराहों वगैरह पे लगना बैरियर चाहिए। चौराहे पर अनंतपाल की प्रतिमा लगना चाहिए, जैसे महाराजा मानसिंह की ग्वालियर लगी थे, अनंतपाल महाराज की यहाँ लगना चाहिए। और दूसरा, इस क्षेत्र में बहुत कुछ
हो सकता है। यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए जाए, जैसे NFL गुनाम लगाया है या मथुरा रिफाइनरी लगाई है, जैसे यहाँ लगा दिया तो यहाँ के लोकल लोग बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, नौकरी मिलेगी और अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छे माने आगे बढ़ेगा। अच्छा, जैसे यहाँ एक फिल्म स्टूडियो की लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये जो है महाभारत काल की साइट है पूरी की पूरी। तो इसमें जितने भी जैसे महाराजा वीरम सिंह देव थे, जो कि जिन्होंने ग्वालियर साम्राज्य स्थापित किया, तोमर साम्राज्य की स्थापना की, और ग्वालियर के किले पर सबसे पहले राजा तोमर हुए वो, और उनके रानी पद्मावती जो थी चित्तौड़गढ़ की, वो उनके बेटे थे, दो ही बेटे थे, घाटम देव और वीरम देव। तो उन्होंने 52 BC ये तोमर घर बसाई और ग्वालियर साम्राज्य स्थापित किया। तो रानी पद्मावती चूंकि स्वयं ही अपने आप में इतिहास में वो तो सब जानते हैं कि उनका कितना वो है सम्मान, और वो एक जो है स्वाभिमान उसका प्रतीक है। उनके बेटे थे वो, जो कि कंवर पाल सिंह जी को ब्याही थी वो, उनकी लड़की हेमावती। तो पद्मावती की जो पुत्री थी हेमावती, वो कंवरपाल सिंह को ब्याही थी। तो उनके जो दो पुत्र हुए, उनकी ये तोमर घर है, उन्हीं का ये ग्वालियर साम्राज्य था। तो क्या आपको लगता है कि महारानी पद्मावती, जिसका ये गौरव है ये पूरी तोमर घर उनकी पुत्री का और जो ग्वालियर का साम्राज्य, तो महारानी पद्मावती, हेमावती या वीरम देव सिंह तोमर, जिन्होंने कि शून्य के आविष्कार का शिलालेख लगवाया है पूरे विश्व में, जहाँ शून्य के आविष्कार का शिलालेख लगा है ग्वालियर किले पर लगा है चतुर्भुज मंदिर में, जो कि वीरम देव सिंह तोमर ने लगवाया उन्हीं ने। तो वीरम देव सिंह तोमर जो कि मुरैना में ऐसा गढ़ी में जिन्होंने 27 वर्ष राज किया है, तो क्या वीरम देव सिंह तोमर का भी कहीं अम्बा या मुरैना में या कहीं इस पूरे चंबल अंचल में कहीं कोई प्रतिमा वगैरह या ऐसा कुछ स्थापना नहीं होना चाहिए? अम्बा चौराहे पर हो जाना चाहिए प्रतिमा की स्थापना, अम्बा चौराहे पर होना चाहिए। ऐसे ही रामशाह सिंह तोमर थे, क्योंकि हल्दी घाटी की लड़ाई उन्होंने ही पूरी लड़ी और 423 तोमर शहीद हुए थे चंबल के उनके साथ, डंडोली गांव के जो, क्योंकि पहले तो वो विक्रमादित्य सिंह तोमर के पुत्र थे, जब ग्वालियर किला चला गया तो वो डंडोली गांव में रहे, और उनके साथ यहाँ के 423 तोमर शहीद हुए। कुल 450 शहादतें हुई वहाँ पर हल्दी घाटी में, उसमें 423 तोमर थे। मान सिंह और रामशाह सिंह तोमर के बीच में वो युद्ध हुआ है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में नहीं हुआ था। तो ऐसी सूरत में रामशाह सिंह तोमर जो कि यहाँ की मिट्टी थे, तो उनका भी कहीं कोई ऐसा कहीं मुरैना में या कहीं ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि, क्योंकि हमारे जो नई पीढ़ी है वो हमारा इतिहास भूलती जा रही है, हमारे योगदान बलिदान सब भूलती जा रही है। और आप तो चूंकि इस क्षेत्र में बहुत लंबे उससे हैं अरसे से, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि नई पीढ़ी को कुछ याद दिलाने के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि रामशाह सिंह तोमर जो कि हल्दी घाटी वहाँ पर उनके स्मारक बने हुए हैं और बहुत बड़े भव्य स्मारक हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है जहाँ के वो थे? शिक्षाविदों को सोचना चाहिए कि किताबों में माने सिलेबस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की किताबों में लाना चाहिए और उनको सब बताना चाहिए, जिससे बच्चों को थोड़ा पता पड़ेगा कि हमारे इतिहास क्या रहा है, उससे थोड़ा सा वो नज़रिया बदल जाएगा उनको, नई जनरेशन। अभी राजस्थान सरकार ने अकबर महान की जगह महाराणा प्रताप महान का वो पाठ शुरू किया है, और उसमें महाराणा प्रताप को ही असल विजेता और असल योद्धा घोषित करने वाला उन्होंने पढ़ाना पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो क्या ये चीज़ मध्य प्रदेश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि पाठ्यक्रम में तो आना चाहिए। हाँ, और हल्दी घाटी का नाम से एक अलग से सब वो होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। हाँ, उसमें राम साहब महाराज जी और जो और भाग लिया उसको पूरा विवरण होना चाहिए। दूसरा, राजस्थान सरकार ने ये किया है कि वंशावली का भी एक अलग से किताब शुरू करी है, तो उसमें सारी वंशावलियां जो लापता कर दी या भारत का असल इतिहास गायब कर दिया गया था अभी तक पाठ्य पुस्तकों में, तो वंशावली के नाम से एक अलग से पुस्तक उसमें शामिल की गई है, इसमें सभी की वंशावलियों को उसमें पढ़ाया जाएगा। तो क्या ये मध्य प्रदेश के लिए आवश्यक नहीं? मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए और संग्रहालय में भी उसकी उनकी उनकी जीवन को होना चाहिए। संग्रहालय में तो प्रतिमाएं हैं काफी, लेकिन उनको
लोगों को बताना चाहिए, नए नए उसको नौकर सवाएं करके या कैसे भी बच्चों को बताना चाहिए नए इतिहास के बारे में कि अपना इतिहास ये रहा, ये आगे ये रहना वाला। अच्छा, तो क्या इसमें जैसे स्कूल के बच्चों के लिए वहाँ शुल्क में भी छूट है कुछ बिस्मिल संग्रहालय में, और यहाँ पर चंबल का इतिहास की झलक देखने को मिलती है वहाँ कुछ, तो उसमें क्या आप जिला पुरातत्व अधिकारी या संग्रहालय अधीक्षक को ये संदेश देना चाहेंगे कि वे स्कूल को, एक स्कूल को हर हफ्ते में एक आमंत्रण पत्र भेजें और स्कूली बच्चों का वहाँ विजिट कराया करें? आदेश निकालना चाहिए शिक्षा विभाग को और हर स्कूल वाले प्राइवेट या सरकारी स्कूल वाले बच्चों को लेकर पहुँचे और फ्री कॉस्ट उनको करना चाहिए, फ्री कॉस्ट बच्चों को दिखाएं और स्टाफ को दिखाएं और सब बताएं कि इतिहास क्या रहा है क्या नहीं, हाँ इतिहास के बारे में पूरा विस्तृत बताएं, क्योंकि ये वीडियो जो है आपका जिला पुरातत्व अधिकारी भी देख रहे होंगे, क्योंकि वो भी देखते हैं, कलेक्टर साहब भी देख रहे होंगे, और चूँकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक भी पहुँचेगा, इसलिए आपका ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। अब राजनीति के बारे में जैसे बात की है, तो चंबल की राजनीति में आपको ऐसा लगता है कि अभी तक अच्छे नेता आए हैं या आएंगे, आना चाहिए, अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते, ऐसा कुछ महसूस कभी हुआ? क्या है कि जवाहर सिंह बाबू जी जैसे नेता आए, हाँ, और अब नरेंद्र सिंह जी नेता आए यहाँ के, बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, इनका कुछ नहीं है पता, लेकिन जवाहर सिंह जैसे बाबू जी जैसा नेता पैदा नहीं हुआ, ना होने वाला, ये सिद्धांती आदमी। उनके एक आध योगदान का वर्णन करें, क्योंकि उनका नाम तो बहुत मशहूर है। गांव गांव सड़कें पहुंचाई, हाँ, और बहुत बड़ा उन्होंने जितना समय रहे मंत्री, डिप्टी मंत्री, उतने समय उन्होंने बहुत सब कुछ काम किया। अब वैसे नरेंद्र सिंह भी काम कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह भी अपना वो कर रहे हैं और अपना लगे हुए हैं कि कैसे कैसे। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर और बाबूजी जवाहर सिंह जी में इतना फर्क है कि बाबूजी जवाहर सिंह के टाइम पे संसाधन सीमित थे, अब संसाधन भी बहुत हैं, पैसा भी बहुत है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी जो अपने मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनको कुछ अच्छी सलाह देने वाले या अच्छा वो योजना देने वाले यहाँ के कुछ कम हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों को उनको सलाह और वो बताना चाहिए कि ये चीज़? तो एक बार उन्होंने निवेदन किया था उनसे कि यहाँ मुरैना नाम एक ऑफिस खोले, उसमें डिप्टी कलेक्टर, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर या रिटायर्ड तहसीलदार को रखे और वो आपके कामों का पूरे रूपरेखा बनाए और वो यहाँ के लोगों को उससे जुड़ा हो। तो आने करके वो क्या है कि वो तो बेचारे दर दर भटकते फिरते हैं किसान और लोग, तो वो नहीं भटकेंगे, सीधे सीधे कलेक्टर से काम है, कलेक्टर साहब से काम है, तो वो सीधे सीधे वो उनका प्रतिनिधि रहेगा, वो बात काम करवा के देगा। तो दर्शन लगे हुए प्रयास में है कि कैसे कैसे हम इस प्रयास को पूरा करें, सफलता मिले, लेकिन सफलता धीरे धीरे मिलती है, जितनी जल्दी नहीं मिलती। हाँ, वो काम तो कुछ धीरे, लेकिन सलाह अच्छी मिल जाए और उस पर वर्क अच्छा हो जाए, काम अच्छा हो जाए, तो वो सब सफल होता है। अब इसमें जो है जैसे सड़कों की स्थिति है, उससे आप संतुष्ट हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है? ग्रामीण क्षेत्र सड़कों की प्रधानमंत्री तो बंद ही कर दी उन्होंने, बंद कर दी सरपंच, पंचायत में कोई काम नहीं बचा है, पंचायत में कोई RCC नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो क्या रहता है, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें जो बार बार मुआवजे की बात आती है, जब ओला पड़ जाए या कुछ पाला पड़ जाए या कैसी फसल का नुकसान हो जाए, तो इसमें ये लोग सर्वे करते हैं, उस सर्वे में किसानों का कहना रहता है कि वो बदमाशी कर देते हैं, अपने मन मर्जी से कुछ भी सर्वे कर देते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऑन डिमांड सर्वे होना चाहिए कि किसान मांग करे सर्वे की उसके खेत का सर्वे होना चाहिए? जैसे जैसे LIC में, न्यू इंडिया में और कंपनियों में सर्वे रहते हैं, ऐसे सर्वे कर देना चाहिए, वो सर्वे जाके सर्वे करना चाहिए। नहीं, जैसे कोई किसान मांग करे कि मेरे खेत का सर्वे किया जाए, अभी तो ये वो भी क्या है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी या यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, तभी तो सर्वे करते हैं जो अपन डिमांड करते हैं। हाँ, किसान डिमांड करेगा तो अपने सर्वे, पटवारी से सर्वे नहीं करवाना। हाँ, यानी कि इनके द्वारा सर्वे न करवा के किसान की मांग के अनुसार सर्वे होना चाहिए, ये आपका कहना। और कोई संदेश आप देना चाहेंगे जो जो हमारे चंबल के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं को कुछ प्रेरणा दे? आगे बढ़े और चलते जाए, ईमानदारी से काम करें, और उसके सबसे अच्छे उदाहरण आप हैं, क्योंकि आप जो आज हैं, नया खून आएगा, नया नया जोश
आएगा। नहीं तो आप जैसे लोगों को प्रेरणा, उनको थोड़ा एकाध प्रशिक्षण वगैरह ऐसा कुछ नया नया खून नया जो सब हम जहाँ तैयार, हम तो तैयार हमेशा रहते हैं समाज के। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।